लगातार तीसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है। लगातार बारिश व बर्फबारी होने के कारण जौहर टनल गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं अगर आपको राष्ट्रीय राजमार्ग की बात बताएं तो समरोली के पास काफ़ी बड़ी चट्टान आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है। वहीं अगर रामबन और बनिहाल के बीच की अगर बात करें, मल्टीपल प्लेसेस पर पसियाँ आई हैं, उसकी वजह से भी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। लेकिन जो समरोली के पास रात को जो रास्ता बंद हुआ था उसे सिंगल कर दिया गया है, खोल दिया गया है। डोडा भद्रवाह की अगर बात करें तो वहाँ पर गाड़ियों की आने जाने की उनको अनुमति मिल रही है। लेकिन 4 घंटे जो है उधमपुर में रास्ता बंद रहा था, लेकिन ट्रैफिक विभाग और कंसर्निंग एजेंसीज ने इसको खोल दिया है। और जो पत्नीटॉप की तरफ जो पर्यटक जा रहे हैं उन्हें भी जाने की अनुमति मिल रही है, और साथ में डोडा भद्रवाह जो है वो भी रास्ता खोल दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो अगर ट्रैफिक विभाग की बात करें, कंसर्निंग एजेंसीज की बात करें, तो रास्ता खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले 4 दिनों से जो गाड़ियां यहां पे, खासकर अगर मैं बात करूं जो ट्रक यहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ लेके जो कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, वो भी लोगों में कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही हैं। वो भी कुछ लोग जो हैं वो भी रास्ते में फंसे हुए हैं। हालांकि कल भी जो है ट्रैफिक विभाग ने जो लोग रास्ते में छोटी गाड़ियाँ लेके फंसे हुए थे उन्हें निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ लेके जा रही हैं, जल्दी से जल्दी ट्रैफिक विभाग और प्रशासन का भी यही कहना है कि ये जल्दी से जल्दी रास्ता खोलें ताकि जो कश्मीर बाउंड की गाड़ियाँ हैं उन्हें कश्मीर की भेजा जाए, और 4-5 दिन से जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं राहत पहुंचाई जाए। और हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि अगर आपने अपनी यात्रा शुरू करनी है तो ट्रैफिक कंट्रोल जो नंबर है ट्रैफिक विभाग का, उससे पहले संपर्क कर लें, उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें, अन्यथा आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।